गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द सिविल इंजीनियर बिजल में। और आज हम आपके साथ हैं डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू बाय लॉस एंजलिस मशीन एज पर आईएसओ 2386 पार्ट 4। वही मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है। नो डाउट इस वीडियो के बाद में आप इसके बारे में और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये वादा है हमारा। हमेशा की तरह एज पर आईएसओ कोड की तरह बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले हमारे मनपसंद चैनल के, आपके सबसे मनपसंद चैनल के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप आईएसओ कोड का भी प्रेफर करें कि भाई इसमें एक पार्ट 4 2386 पार्ट 4 में डिटरमिनेशन एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक है डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू। एवरेशन वैल्यू क्या होता है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बॉक्स में भी लिंक है, वहां से जाकर के आपको इसको देखना है और एग्रीगेट की एक प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकायदे प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो कमेंट्स करो, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या दिक्कत है, एग्रीगेट्स को हम क्यों इतना प्रेफर करते हैं? क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट हो या रिजिड पेमेंट, सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट की बात हो या बिटुमिन के, दोनों में एग्रीगेट का अच्छा खासा रोल है और स्पेशली रोड के केस में। तो हमें एग्रीगेट के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, तो एग्रीगेट के बारे में तो जानना जरूरी है। और भाई एवरेशन की बात हो रही है, व्हाट इज एवरेशन? इसमें बोला गया है डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू, व्हाट इज दैट एवरेशन? सभी के सवाल दिमाग में सवाल होगा कि एवरेशन आखिर है क्या, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए ये वाला सवाल क्लियर हो जाए। एग्रीगेट यूज इन सरफेस लेयर ऑफ द रोड पेमेंट। देखिए क्या होता है कि एग्रीगेट्स को ना हम पेमेंट्स के सरफेस में यूज करते हैं, और सरफेस पेमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर व्हीकल्स मूव होते हैं तो एक फ्रिक्शन होता है वो टायर और एग्रीगेट के बीच में, क्योंकि लोड तो बेयर क्या करता है, एग्रीगेट्स ही करता है, सीमेंट तो सिर्फ पकड़ के रखता है। आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करो और रिजिड पेमेंट की बात करें, दोनों में भाई उसमें बिटुमिन के साथ में क्या करते हैं कि एग्रीगेट्स ही तो होते हैं, एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग ही तो होती है। दिस फैक्ट फर्दर एनहांस, और फिर क्या होता है एक डस्ट का प्रेशर, ये सब मिलकर के इसमें और भी प्रेशर बना देते हैं, इसी को एब्रेशन कहते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग टायर एंड रोड सरफेस रिजल्ट इन एब्रेशन ऑफ एग्रीगेट्स। वही वो फ्रिक्शन को ही एब्रेशन बोला गया है, और बेयरिंग भी शायद इसको बोलते हैं। आखिरी में आईएसओ कोड में एक टर्म है यूज इसे बेयरिंग, उसको हम बताएंगे। और एग्रीगेट को इनफ बेयरिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन होना चाहिए, तो भाई होना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन पता कैसे करेंगे कि ये है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहो। द प्रॉपर्टी इज एबिलिटेड बाय द एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। भाई इस प्रॉपर्टी को एबिल्यूट करने के लिए एब्रेशन टेस्ट करते हैं, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं। यहाँ पे दो प्रकार की मेथड्स हैं एज पर आईएसओ 2386 पार्ट 4 में। एक है लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट और एक है डबल एब्रेशन टेस्ट। मोस्टली लॉस एंजलिस को प्रेफर करते हैं, उसका रीजन क्या है तो हम जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट में 5.1 में, दोनों में है, बट लॉस एंजलिस पढ़ लीजिए सारा हो जाता है। देयर द मोस्ट वैल्यूएबल रीजन बिहाइंड देम कि व्हाई वी यूज लॉस एंजलिस। चलिए तो उसके लिए आपको बिफोर दैट यू हैव टू नो हाउ टू बी परफॉर्म टेस्ट। लेकिन एक चीज हम भूल गए, ये देखिए लॉस एंजलिस क्या गजब का शहर है बैकग्राउंड में। ये लॉस एंजलिस शहर है, ये साउथर्न कैलिफोर्निया में यूनाइटेड स्टेट में एक शहर है। और ये जो पीछे का ये जो डेजर्ट देख रहे हैं ना, इस डेजर्ट की आपको बताएं कि इसकी हाइट लगभग 3000 मीटर के आसपास होती है, तो बहुत ही गजब का शहर है। तो इससे इसके प्रति जानने की उत्सुकता बढ़ेगी और जो आपको आखिरी तक बनाए रखेगी कि भाई क्या है। एपरेटस जरूरत लगेगी हमें, एक लॉस एंजलिस मशीन लगेगी। इसमें क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है जिसका इंटरनल डायमीटर 700 mm, लेंथ 500 mm। मशीन कैन बी रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करती है, वो इंटर मूव नहीं होते हैं। द ओपनिंग सेल वी क्लोज इट डस्ट टाइट, जो ओपनिंग है वो डस्ट टाइट है, और रिमूवेबल कवर बोल्टेड इन प्लेस। और जो एक किसमें स्टील सेल का यूज करता है, रेडिली 88 mm इनटू द सिलेंडर एक्सटेंडेड। तो एक स्टील सेल होता है जिसकी पोजीशन आपको बताएं 1250 mm फ्रॉम द ओपनिंग
नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसा दिखता है आइस कोर्ट में जब आप प्रिफर करेंगे। तो इस जो सेल्फ की बात करें ना, ये है वो स्टील सेल्फ, एक सेल्फ होता है पूरे सर्कल में। ये हमारा ओपनिंग गेट है, ये स्टील बॉल है 12 mm की थिक, और ये आप क्रॉस सेक्शनली देखेंगे ना तो दैट इज द इंटरनल डायमीटर 700 mm, और जो उस तरफ से जो दिखेगा सेक्शन में दैट इज दैट सेक्शन, और ये है 500 mm। सो आई होप कि चीज क्लियर है। और ये वाला जो अंदर से इधर दिख रहा है ना, ये है नहीं, ये बाहर ही रेडियली प्रोजेक्टेड है, अंदर इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए और थोड़ा सा 3D देखिए, इसमें क्या होता है, एक लॉस एंजलिस मशीन है, ये एक्सेस कवर है, इसके अंदर आप मटेरियल को डालेंगे, ये सिलेंडर है, ट्रे है टू कैच द सैंपल, जब आप उल्टा करके निकालेंगे तो वो ट्रे है जिसमें सैंपल रखा जाता है, इसमें ये रेवोल्यूशन काउंटर है और इसके नीचे मोटर लगी होती है जो इसको रोटेट करता है। ये 11 नंबर ऑफ चार्ज 47 mm डायाबॉल, भाई इसके बारे में भी, ये लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट का सेटअप है। आप क्रॉस सेक्शनली देखिए, ये इस तरह से दिखेगा, ये स्टील का सेल्फ है, ये एब्रेशन चार्ज है जो स्टील वॉल की बात कर रहे हैं सभी के। देखिए एक हमें सीप की जरूरत लगेगी 1.7 mm। देखिए हम आपको कुछ क्रॉस रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे कि जब हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की बात करते थे तो हमें 2.36 mm की सीप चाहिए होती थी, और उसमें जितना मटेरियल भाई बचा हुआ है ना आखिरी में, मतलब जितना टूट गया उसके बेसिस पे ही परसेंटेज निकालते थे। सैम केस यहाँ होगा कि जितना टूट गया ना उसके बेसिस पे ओरिजिनल वेट के बेस में निकालेंगे, सिमिलर है बट किस तरह का प्रोसीजर है। ये आप देख रहे हैं, ये एब्रेशन चार्ज है, ये 48 mm डाया की होती है, इनका वजन 390 to 445 ग्राम के आसपास होता है, और हमें हमारे आइस कोर्ट्स में 12-ish बॉल होनी चाहिए, और ग्रेडिंग और के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। भाई 5.3.2.1 कहता है कि आपको नंबर ऑफ स्पेयर्स कितनी यूज करनी है, तो ग्रेडिंग होती है इसमें ए बी सी डी ई एफ जी, और उसमें 12, 11, 8 वट एवर द आइस कोर्ट सेज वी हैव टू यूज नंबर ऑफ स्पेयर्स। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल कैलकुलेशन के बाद में ये सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं। और ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये ग्रेडिंग क्या है, देखिए इसमें ग्रेडिंग मीन्स व्हाट, जिस एग्रीगेट को आप यूज कर रहे हो ना, पासिंग 40 mm, रिटेन 25, तो 1250 ग्राम होना चाहिए, बेट इन द ग्राम टेस्ट सैंपल फॉर ग्रेडिंग, और इस तरह का इतना गेट आपको कलेक्ट कर लेना है। इसमें और कुछ नहीं करना कि 1240 से पास हो जाए, 25 पे रेस्ट हो जाए, तो 1250 ग्राम सैंपल रख लो, और जब आप बी ए ग्रेड की बात कर लेते हैं तो 25 से 20 में, और वैसे ही 20 से 12.5 में, 12.5 से 10, और यू हैव टू नो अबाउट हाउ टू बी ग्रेडिंग। इसमें +-2% टॉलरेंस परमिटेड है इस प्राइस को। हमें सैंपल कलेक्ट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि आपको 2500 ग्राम सैंपल लेना है, वैसा सैंपल लेना है कि भाई हम देखिए इसमें कौन सी ग्रेडिंग हम प्रेफर कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं बी ग्रेडिंग, और बी ग्रेडिंग के लिए ये वाला, बी ग्रेडिंग के लिए 2500 ग्राम हमें ये चाहिए होता है, तो ये चीज़ हम कवर कर रहे हैं। 2500 ग्राम हमने ये वाले ले लिए, 2500 ग्राम हमने ये वाले ले लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई द मटेरियल इन द ओवन, सबसे पहले तो आपको इसको सुखाना है 4 घंटे के लिए 110 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है ओवन का टेम्परेचर, और उसको बाहर फिर बाहर निकालना है, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, और इसकी क्वांटिटी मेजर करना है कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आया, और उसको नोट डाउन करना है, वही आपका ओरिजिनल वेट होगा। करिस्पॉन्डिंग टू द सिलेक्टेड ग्रेडिंग टेक द एब्रेशन चार्ज, आपने जो ग्रेडिंग यूज करी है वो वाला एब्रेशन चार्जेस उतनी बॉल उठानी है। इस केस में हमने बी ग्रेड हमने इस्तेमाल किया है, जब हमने बी ग्रेडिंग इस्तेमाल की है तो हमें 11 नंबर ऑफ स्पेयर लगेंगे। नाउ वी विल टेस्ट द सैंपल बिफोर स्टार्टिंग, जब अब हम टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि सिलेंडर खाली है, क्लीन है कि नहीं है, क्योंकि अंदर बेड वगैरह ना हो ताकि हम वापस उसमें कुछ एरर वगैरह ना आए। नाउ प्लेस द एग्रीगेट, अब आपको एग्रीगेट रखना है, एब्रेशन चार्ज भी उसमें देना, फिक्स द कवर इन पोजिशन, और जो उसका ओपनिंग कवर है उसको अपनी पोजिशन पर रख दो। अब देखिए चेक द काउंटर रीडिंग, वो 0 होना चाहिए। अब आपने टेस्ट स्टार्ट किया, आई स्कोर 5.3.41 सीधा सीधा सा कहता है कि इसकी रोटेशन स्पीड 20 से 33 रेवोल्यूशन पर मिनट होनी चाहिए, उसको आपको मशीन से उसको रोटेट कर लेना है, मेंटेन करना है। और फॉर ग्रेडिंग ए बी सी डी के लिए 500 रेवोल्यूशन की बात हो रही है, और ग्रेडिंग ई एफ जी के लिए 1000 रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये आपको करना है। और द मशीन सेल ड्रेवन और काउंटर बैलेंस इन द एंगल सेल्फ, मशीन सेल रोटेट इन सच अ डायरेक्शन दैट चार्ज कफ आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द एंगल एंड द कम्प्लीशन ऑफ द टेस्ट। और अब आपको जब आपके 500 राउंड हो जाएं, उसके बाद उसको 1.70 mm की आई सीप से उसे छान लेना है, जितना मटेरियल भी है,
और उसके बाद में ओरिजिनल वेट से उसे द मटेरियल कोर्सा देन 1.70 mm स्टीप देन बी बस ड्राइड, उसको आप धो लीजिए, उसके बाद उसका वजन कर लीजिए, तो ओरिजिनल वेट और अभी का वेट में आपको वो डस्ट का वेट निकल आएगा, और डस्ट के वेट के बाद में नीचे ओरिजिनल वेट से मल्टीप्लाई करना, ये है अटेंशन भी कॉल भाई। देखो यदि आप चेक करना चाह रहे हो कि 100 रेवोल्यूशन में कैसा होगा, तो फिर आपको ये देखना है कि जितना आपने पार्टिकल निकाला है उतना आप डाल रहे हैं कि नहीं है, डस्ट वगैरह इधर उधर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। जनरली हम करते नहीं है, एक ही बार में वैल्यूज निकाल लेते हैं, कभी दो नंबर ऑफ वर्ल्ड का। रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है ये देखने वाली बात है कि द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वेट एंड फाइनल वेट ऑफ द टेस्ट सैंपल सेल बी एक्सप्रेस एट परसेंटेज एंड ओरिजिनल वेट ऑफ द टेस्ट सैंपल, दिस वैल्यू इज बी रिपोर्टेड एज अ परसेंटेज। भाई इसमें ओरिजिनल वेट क्या है, जो वेट आपने स्टार्टिंग में लिया था, फाइनल वेट क्या है, जितना वेट बचा हुआ है, और ओरिजिनल वेट को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज बेस में द वैल्यू सेल बी रिपोर्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ बियर, इसी को बियर कहते हैं। अब बात आती है कि उस फैक्ट की जो हम बताने वाले थे कि इसी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। चलिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो उस डायग्राम पे जाना है जो हमने शुरुआत में दिखाया था, कि ये देखिए इसमें क्या होता है कि हम यही एक ऐसी मेथड है जो हमें साइट पर सबसे ज़्यादा प्रेफर होती है, साइट की कंडीशन को। क्या होता है इसमें कि हम बॉल यूज़ करते हैं तो वो फ्रैक्शन तो होता है इस सेल्फ में, वो कह रहे हैं बॉल रुक जाती हैं और बाद में इन्हीं के ऊपर गिरती हैं, तो इसमें इम्पैक्ट भी होता है और एब्रेशन भी होता है, तो इसीलिए ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसीलिए दूसरी मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आप जब देखेंगे कि जब इसका क्लूज नंबर 1 में कि जब वो सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप उसमें भी उन्होंने नोट 1 में साफ साफ लिखा है वेयर पॉसिबल मेथड बी शुड बी प्रिफर टू मेथड ए, जहाँ पे पॉसिबल है आप प्रिफर टू मेथड ए, मेथड ए की बजाय मेथड बी प्रेफर कीजिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपने पूरा सेशन इन्जॉय किया होगा, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करते हुए जाओ, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें मिले इन्फॉर्मेशन, और थैंक यू, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, बाय बाय।